तो हम लोग सब एक ही सलाह देते हैं कि आप घड़ी नक्षत्र को देखें, एक अच्छी बात है कि हमारे जीवन में घड़ी नक्षत्र का अहम रोल होता है जी, लेकिन उससे ज्यादा अहम रोल है हमारे जीवन में कर्म का। कर्म का, या किस, हम किस टाइप के कर्म कर रहे हो? अगर हम कहते हैं कि दूध को अगर हम चल्ली में काढ़ेंगे तो जमीन में बिखरेगा, और अगर हम बाल्टी में उसको जो है काढ़ेंगे तो वो जो है उसमें बाल्टी में इकट्ठा होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर आज नहीं तो कल सुनेगा। सुनेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? होप सो सारे बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हम आपको एक क्रम से आपको मंदिरों के दर्शन हम रेगुलर बेस पे करा रहे हैं, और गाजियाबाद के कुछ एक हम केला भट्टे के जिले में हमने आपको पहले दुधेश्वर नाथ के दर्शन कराए हैं, और उसी केला गांव में आज हम स्थित हैं। और आज हम कुछ गलियों में से, कुछ कुंज गलियों में से जिनको कह सकते हैं, उनमें से हम रेंगते रेंगते आज एक मंदिर में पहुंचे हैं जिसे कहते हैं श्री शिव शक्ति माता सिद्ध पीठ मंदिर, जो कि माता चामुंडा को समर्पित है पूरी तरीके से। यहाँ पे चामुंडा देवी माता की कुछ अपनी अपनी मान्यताएं जिसके आज हम दर्शन करेंगे, और कुछ आज हम पंडित जी से जानेंगे। तो आज हमारे साथ जो यहाँ के मंदिर की महिमा बताने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वो हैं पंडित जी। उपस्थित हैं, ये है एक प्राचीन चामुंडा देवी माता का मंदिर, और यहाँ की आज महिमा बताने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित अजय शर्मा जी। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या यहाँ की महिमा की जानकारी है, और ये हमें कुछ मंदिरों के दर्शन भी कराएंगे अभी चल के। आइए पंडित जी, करें दर्शन। आप सभी लोगों का माँ चामुंडा सिद्धपीठ श्री शिव शक्ति चामुंडा सिद्धपीठ केला खेड़ा में स्वागत है। ये माता चामुंडा का मंदिर है, यहाँ माता जी स्वयं पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ किसी ने इसकी स्थापना नहीं की। अच्छा, ये प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है। और इस मंदिर का इतिहास इतना पुराना है कि शायद यहाँ कोई भी बुजुर्ग ये नहीं बता पाएगा कि मेरे सामने प्रतिष्ठा हुई यहाँ पे। और माँ बिल्कुल शांत रूप में यहाँ पे विराजमान है, और यहाँ लोगों की जो आसपास के जो रहने वाले हैं उनकी कुलदेवी के रूप में भी माँ पूजी जाती है। यहाँ कुलदेवी की, हाँ जी। माँ को जो सबसे ज़्यादा समर्पित है, माँ को जो है पशुधन की देवी कहा जाता है। और कहते हैं कि गांव खेड़े की जो रखवाली करती है वो मच्चा मुंडा है। काफी पुराना गांव है वैसे तो। हाँ, केला, ये बहुत पुराना गांव। केला और खेड़ा भी कहा जाता है। केला खेड़ा, इसको केला खेड़ा, देवभूमि केला खेड़ा बोलते हैं। अच्छा, देवभूमि केला, देव भूमि के नाम से, क्योंकि यहाँ क्या है कि ये माता का चामुंडा का सिद्ध पीठ मंदिर है ये। फिर इसके साथ में हमारा शिवालय है जी, शिव जी का मंदिर है, माता शीतला का मंदिर है, माँ कैला देवी दोनों बहने विराजमान है, यहाँ विराजमान है शीतला माता विराजमान। बिल्कुल बिल्कुल, शिव जी पूरे परिवार सहित विराजमान हैं। फिर कैला देवी है, फिर जो है भैरवनाथ का मंदिर है जी। अच्छा, और हाँ, वो सारे मंदिर माँ चामुंडा सिद्धपीठ से ही संबंध है सभी का जो है। और ये माता चामुंडा यहाँ पे माता, ये चामुंडा दर्शन कर पा रहे होंगे यहाँ पे विराजमान है के। हाँ, पिंडी रूप में माता के दर्शन है यहाँ पे। यहाँ पंडित जी ने अभी हमें बताया कि यहाँ पे बहुत शांत स्वभाव में माता चामुंडा देवी यहाँ विराजमान है, और यहाँ की बहुत, यहाँ पे ये केला खेड़ा गांव के जो निवासी हैं वो इनको अपनी कुल देवी के पूजनीय करते हैं, पूजा करते हैं कुल देवी के उस पे। तो अभी हम वही विस्तार पूर्वक पंडित जी से अभी महिमा जान रहे थे, तो पंडित जी ने काफी कुछ हमें इस बारे में भी बताया भी, और यहाँ पे दर्शन भी कराए, और साथ ही यहाँ पे और साथ में है भूमिया माता। भूमिया माता, हाँ, माता चामुंडा के साथ में पांच या देवी साथ में होती है, ये भूमिया है। अच्छा, तो माँ चामुंडा जो है माता भूमिया से बोलती हैं कि आपको ये कार्य करना है जी, तो माता के साथ में होती हैं। फिर उधर माता के गण हैं। अच्छा, हाँ, जो माता के साथ में हर समय रहते हैं, क्योंकि भूमिया माता का भी उनसे कुछ, हाँ हाँ, माता के साथ में होती हैं माता चामुंडा, माता भूमिया, शीतला माता और कैलाश देवी। अच्छा, ये पांचों का प्रारूप एक ही होता है, हर जगह एक ही जगह विराजित होती है, लेकिन सब में जो बड़ी है वो माँ चामुंडा है। अच्छा, मतलब उन्हीं के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, माता तो काली के बाद में दूसरा रूप माँ चामुंडा का आता है। अच्छा, जब माता काली से जो है दैत्य बच गए थे जो है मधुकैटव, और मधुकैटव के बाद में जो है असुर और बच गए थे, तब माता ने जो है दूसरा रूप अपना धारण किया। धारण किया
और उसमें ये रहा दैत्यों का भी कुछ रहा था उस दैत्यों में, ये कि दैत्यों का काम तो आतंकवाद फैलाना है, जैसे अब आतंकवादी कर रहे हैं ऐसे ही वो किसी को जीने नहीं देते थे। उनका एक छत्रपत राज होता था जिसमें वो केवल अपने आप को देखते थे, दूसरे को नहीं देखते। तो जब दैत्यों का असुर साम्राज्य ज्यादा बढ़ने लगा, अत्याचार ज्यादा होने लगे, क्योंकि संतों और ब्राह्मणों पर जब जब अत्याचार होता है जी, तब वो जो है देवताओं को पुकारते हैं। बिल्कुल। और उनकी रक्षा के लिए चाहे कोई पुकारे ना पुकारे, जब ब्राह्मण और संत पुकारने लगेंगे जी, तो देवताओं को आने का, चाहे वो किसी भी रूप, बिल्कुल आना पड़ेगा। तब उन्होंने जो है आदिशक्ति माता पार्वती से प्रार्थना की कि हे माँ, ये दैत्य असुरराज जो है रक्तबीज और मधुकैटभ ये कुछ नहीं करेंगे माँ, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, आप कृपया करके जो है अपना रूप धारण कीजिए और ऐसा रूप धारण करें कि माँ इनका संहार हो सके। तो बोली कि मैंने तो अभी काली रूप धारण किया था, लेकिन मुझे भोलेनाथ ने शांत कर दिया। बोले कि माँ वो आपका विकराल रूप था, आप कृपया करके अब मेहरबानी करें, कैसी भी हम पर दया दृष्टि अपनी रखें माँ, कि जिससे इन दत्त्यों का संहार किया जाए। संहार किया। तो बोले कि ठीक है, जब आप लोग इतनी विनती कर रहे हो और सृष्टि के लिए मैं ये काम तो कर सकती हूँ। तब माता ने चंड के रूप धारण किया। माँ चामुंड का को ही चंड के कहा जाता है। अच्छा, हिमाचल में भी स्थित है। हिमाचल में भी स्थित है माँ, हिमाचल में है, और इसका एक प्रतिबिंब देवास में है। देवास, देवास टीकरी वाली माता के नाम से जो है माँ चामुंडा, दोनों बहन टीकरी बॉर्डर, देवास में है, पहाड़ी पर है, बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है माँ चामुंडा। देहरादून से आगे सर, मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में। उज्जैन से करीब एक घंटे का रास्ता है देवास का। अच्छा, देवास का मतलब है देह का वास, वहाँ माता की देह का वास है, और माँ तुल्या भवानी। देह को अगर हम विस्तार पूर्वक जानना चाहें, दे मीन्स शरीर जी, माता के शरीर का वहाँ पूरा वास है, तो देह का वास है वहाँ पे, तो उस जगह को देवास बोलते हैं। देवास, हाँ, वहाँ पे माँ जो है दोनों तुलजा भवानी और माँ चामुंडा जो है दोनों बहन साथ साथ रहती थी, तो किसी बात से माँ में दोनों में आपस में बात बिगाड़ हो गया, तो माँ ने कहा कि बोले अब एक जगह हम दोनों बहन नहीं रह सकते। तो बोले क्या है, बोले कि तू इधर का रस ऐसा ले, मैं इधर का लेती हूँ। और माँ ने वहीं से बैठे बैठे पहाड़ को फाड़ करके और पूरा अपना जो है रूप धारण किया। आज भी माँ जो है दिन में तीन रूप बदलती है। देवास में, देवास वो सिद्धपीठ ऐसा है कि माँ चामुंडा का दिन में तीन रूप बदलती है। माँ स्वयं जो है बाल रूप होता है और दोपहर बाद जो है बचपन का चेहरा आ जाता है बिल्कुल ऑटोमेटिकली, और शाम को देखेंगे तो एकदम वृद्ध अवस्था। ऐसे ही माँ चामुंडा का है कि यहाँ पर अगर कोई भक्त जैसे किसी के कार्य नहीं बन रहे तो माँ चामुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पण करे वो, और कहते ना कि जो श्रद्धा से की हुई पूजा अर्चना है वो फल देती है। बिल्कुल। और मेरा तो मानना यह है कि हम दुनिया के आगे न रो करके वहाँ रोएं जहाँ सब रोते हैं, चाहे राजा हो या रंग हो, इसके चरणों में झुकते हैं सब। मांगना है तो उस दाती से मांगो जिससे सब मांगते हैं, और वो देती है उसकी इच्छा अनुसार, वो ये देती है कि भाई इसने मेरे से इतनी आवश्यकता है इसको, तो मैं क्यों ना इसको सुनूं। वैसे हमारे यहाँ पर जैसे बच्चों की शादी में अड़चन आ रही है तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, उनको जो है पूजा के लिए प्रेरित करते हैं कि आप माँ चामुंडा मंदिर में जो है पूजा कराएं, पूजा करिए, हाँ, और आपको गारंटी के साथ में माँ चामुंडा की कृपा से जो है पूरी होगी, कृपा पूरी मिलेगी आपको और आपका काम बनेगा। बहुत से जो है बच्चों के लिए आते हैं यहाँ कि मेरे संतान नहीं है कोई, न जाने कहाँ कहाँ किस किस डॉक्टर से उन्होंने इलाज कराया जी, और वहाँ से असफल हो गए वो, तमाम लोगों से जो है उन्होंने अपनी पूजा पाठ कराए लेकिन नहीं बात बन पाई। यहाँ आकर के उनको पहली बार में, हम ये नहीं कहते कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन हाँ जो उनकी बंद कोख है वो जरूर खुले, वो जरूर खुल जाएगी। हाँ, किसी तरह की असाध्य बीमारी है जिसका कि कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। और कहते ना कि टूटी के लिए बूटी नहीं होती, जीवन के लिए बूटी माँ चामुंडा पे मिल जाती है। ये ऐसा स्थान है कि हम एक बिल्कुल अलग जगह से हैं, क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, कुछ बस्ती भी थोड़ा सा अलग ही है, कॉलोनी थोड़ी सी वो है। हाँ, तो लोगों को आने में ये लगता है कि भाई हम डायरेक्टली कोई आदमी यहाँ पे नहीं आ सकता,
और आप लोगों के माध्यम से हम लोग तो यही चाहते हैं कि मेरी माँ की जो ख्याति है वो दूर दूर तक पहुँचे और लोग जिनको परेशानी है किसी भी तरह की जो है, क्योंकि जीवन संकट से भरा है जी, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके जीवन में कुछ ना कुछ संकट ना हो। बिल्कुल, और वो यहाँ पर आकर के माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और आज के युग में तो मुझे लगता है कि हर जो बंदा है वो संकटों में घिरा ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के टाइम में जो है इस समय ये भी देखा जा रहा है कि आस्था ऊपर वाले में काफी बढ़ गई, बहुत बढ़ी है। उसका कारण है कि संकट एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। बिल्कुल, तो आदमी जो सोचता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और उस मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा, उस मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा, तो अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, सही बात। और फिर उसके मन में वो धर्म गुरुओं के पास जाता है, ब्राह्मणों के पास आता है कि मैं अब क्या करूं, मेरे घड़ी नक्षत्र आप देख लीजिए कि कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे हैं। तो हम लोग सब एक ही सलाह देते हैं कि आप घड़ी नक्षत्र को देखें, एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जीवन में घड़ी नक्षत्र का अहम रोल होता है जी, लेकिन उससे ज्यादा अहम रोल है हमारे जीवन में कर्म का, कर्म का, कि आप हम किस टाइप के कर्म कर रहे हो। अगर हम कहते ना कि दूध को अगर हम चल्ली में काढ़ेंगे तो जमीन में बिखरेगा, और अगर हम बाल्टी में उसको जो है काढ़ेंगे तो वो जो है उसमें बाल्टी में इकट्ठा होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर आज नहीं तो कल सुनेगा, और हम उल्टे सीधे कर्म करके उल्टे सीधे कर्मों से धन अर्जित करेंगे तो वो तो उस समय आज तो सकून है क्योंकि आज हमारी जेब भर रही है, लेकिन कल जो आएगा वो दुख भरे हो, कल के लिए फिर वो व्यर्थ है। और कल की चाहना करनी है तो हमें अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा, हमें धर्म के रास्ते को अपनाना पड़ेगा जी। और धर्म की रक्षा में जो लोग आते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे लिए जो है आगे चल के तो देख, तेरे रास्ते ना कह दूं तो खोल लूं ना तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर का भंडार न खोल लूं तो कहना, मेरे लिए कड़वे वचन सुन करके तो दुनिया को तेरा न बना दूं तो कर्म के लिए। अगर श्री कृष्ण की बात की जाए तो अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने इसी चीज के लिए प्रेरित किया था कि तेरा कर्म है, जो कर्म है वहां, वो योद्धा का है। अर्जुन भी जब महाभारत में युद्ध भूमि में जब देखा उन्होंने कि यहाँ तो सब अपने हैं, सब अपने हैं, तो मैं युद्ध किससे करूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां कहा था कि बोले अपना कर्म करो, युद्ध जो करने के लिए आए हो, सामने जो खड़ा है वो शत्रु है। आज हम रणभूमि में हैं, हमारे बॉर्डर पर सैनिक हैं, अगर वो ये सोच लें कि ये भी तो इंसान है भाई, वो चाहे कहीं किसी भी देश की सीमा से लगे हुए हमारे दूसरे सैनिक, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये भी तो इंसान है, हम इससे नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो हमारा बॉर्डर पे है, दूसरे देश का आया हुआ है, अगर हम अपने यहाँ पे घुसाएंगे उसे तो वो आतंकवाद फैलाएगा, हमारे यहाँ उल्टी सीधी हरकत करेगा, तो हमें तो उसे लड़ना है। उन्होंने कहा कि कर्म को कर जी, यहाँ जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो तेरे शत्रु हैं, तेरे अपने होते तो तुझे गले लगाते ना, लेकिन जब युद्ध भूमि में तुझे ललकार है तो उनको ललकार ना जी। और उनकी लड़ाई केवल धर्म के लिए थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, बाकी उसमें कुछ नहीं था। तो हम सभी लोग तो यही प्रयास करते हैं कि यहाँ माँ चामुंडा मंदिर पर जो भी भक्त आए उनको माँ की कृपा मिले, आशीर्वाद मिले, और उनके जो दुख हैं ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो कम हो, थोड़ा तो कटे हाँ, और यहाँ पे आकर के जरूर कम होते हैं। बिल्कुल, लेकिन लोगों की आस्था है कि ये नहीं कि हम माँ के लिए जो है बढ़िया चुनरी ले आए, बढ़िया वस्त्र ले आए, श्रृंगार वगैरह ले आए, माता के लिए पंचमेवा ले आए और श्रद्धा लेकर के ना आए जी। तो ईश्वर और यहाँ पे आए हुए हम तो सभी से कहते हैं कि आप श्रद्धा भाव जरूर लेकर के आए, क्योंकि श्रद्धा ही सब कुछ है। अपने आंसू औरों के आगे जो गिराते हैं, माँ चामुंडा के आगे गिराएं और वो सुने, और उसके बाद देखें फिर चमत्कार कितने होते हैं माँ चामुंडा के। और जैसे कि आप लोग अभी पंडित जी से इतने श्रीमुख से जो पंडित जी की आपने वाणी सुनी और इतना इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा उसको विस्तार पूर्वक बताया, माता चामुंडा देवी की इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक अभी जानकारी हमें दी है, और उनका जो पूरा एक फल देने का पूरा पराक्रम है, इन्होंने जो पूरी उसकी अभी गाथा करी, इसी गाथा को मैं जब आप लोगों तक बात पहुंचा रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि पंडित जी ने जो वाणी की है वो 101% जो है बिल्कुल क्लियर है कि कर्म जो है विशेष कहा गया, श्री कृष्ण द्वारा भी कर्म को ही विशेष माना गया था,
और जहाँ आज हम स्थित हैं, हम इतने आपको हम क्या बताएं। अभी हम आपको इसमें क्लिप्स देते हैं, ये कुंज गलियों की, जहाँ जहाँ से आज हम इस मंदिर में पहुँचे हैं। अगर हम आज इस मंदिर में पहुँचे हैं तो इसके पीछे का कारण भी कुछ माँ चामुंडा का ही आशीर्वाद रहा है। अगर आज हम इस मंदिर में आए हैं तो ये ना मानिए कि आज हम यहाँ पे आए हैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने, नहीं, इसके पीछे बहुत से माध्यम होते हैं, बहुत सी बातचीत होती है, तब जाके आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है। तो इसी क्रम को अगर हम आगे इस बारे में बात करें कि अगर आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके दर्शन के लिए नहीं आपको दिखा रहे जा रहा, ये आपको दर्शन के लिए यहाँ पे आने के लिए भी दिखाया जा रहा है कि आप इन गलियों में से गुजर के जैसे आज हम यहाँ पहुँचे, आप भी यहाँ पहुँचे, माता के दर्शन करें, माता को अपने आप को समर्पण करें, फिर माता का चमत्कार जरूर देखें। अभी पंडित जी ने भी कुछ ऐसे लफ्ज़ बोले थे जो कि मेरे भी एक दिल को बहुत ज़्यादा टच करके गए। पंडित जी ने कहा कि ना लाओ चुनरी, ना लाओ श्रृंगार का सामान, लेकिन अगर आप अपना भाव लेके यहाँ पे आ रहे हो, श्रद्धा पूर्वक आ रहे हो, तो एक माता की जो एक अद्भुत महिमा है उसका ही आप महसूस कर पाओगे, फलीभूत कहाँ असर कर रहा है। तो इस प्राकृतिक और प्राचीन मंदिर के अभी आपको ये वीडियो द्वारा दर्शन हो रहे हैं, और यहाँ पे शिवलिंग के भी दर्शन होंगे, शीतला माता के दर्शन होंगे, हनुमान जी अभी यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ विराजमान अभी हुए रिसेंटली में, तो उनके भी दर्शन करिए। और अभी हम इनसे पता नहीं अन्यथा कितनी जानकारी पंडित जी के जो श्रीमुख से हम आपको पहुँचाएंगे, ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे आप इनकी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और पंडित जी से अगर आपको कुछ पूछना है तो उनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, इनकी इजाज़त, इनकी जो इजाज़त रहेगी उनके द्वारा।